हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सेम चैप्टर, दैट इज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये बच्चों क्या है, दिस इज द पार्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफी। इसकी ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की। और नेल्सन मंडेला कौन है बच्चों? ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो ये बच्चों हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं, क्लियर। इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। यस्टरडे वी डिस्कस कि किस तरह से इतना जो है ब्रूटलिटी से जो है चीट कर रहे थे, ऑपरेशन था कई सालों से जो चला आ रहा था, उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे थे जो उभर के आए थे, जिन्होंने नेल्सन मंडेला का साथ दिया था। तो यस्टरडे हमने डिटेल में डिस्कस करा था। यहाँ पे फोटोग्राफ भी आप देख सकते हैं, ऑलिवर टैम्बो हैं, वॉल्टर सिस्लो हैं, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंट जो है, कल हमने डिटेल में पढ़ा था, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या था, करेज था, विजडम एंड जेनरसिटी, दैट देयर मे नेवर बी नोन अगेन। और ऐसे लोग जो है दोबारा में भी जो है दिख नहीं सकते, क्योंकि इतनी ब्रुटालिटी और इतना सहन करने के बावजूद जो है ये प्रतिभाएं जो है सामने आई, जिन्होंने नेल्सन मंडेला का साथ दिया टू प्रोटेक्ट द कंट्री। हाइट्स ऑफ करेक्टर, अब यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जैम्स। अब यहाँ पे एक मिनरल और जैम्स आप देख सकते हैं कि क्या होते हैं, प्रेशियस स्टोन होते हैं। उन्होंने कहा दो जो है मेरी कंट्री रिच है मिनरल्स और जैम्स में, जो कहा पे है बीनीथ द सॉइल, राइट। बट मेरा असली वेल्थ क्या है, मेरे देश के लोग हैं, और ये उससे भी प्योर डायमंड से भी ज्यादा फाइनर हैं और ट्रूरर हैं देन द प्योरेस्ट डायमंड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो उन्होंने अपने वर्ड्स बोले हैं कि दो माई कंट्री क्या है, रिच इन जैम्स एंड मिनरल्स, बट मेरी जो असली वेल्थ कौन है, मेरे देश के लोग हैं, और उनको उनके कंपैरिजन किससे करा उन्होंने, डायमंड से, क्लियर। और उन्होंने कहा कि मैंने ये जो करेज जो है मीनिंग मेरे को पता चला है वो किससे, मेरे अपने साथियों से, कॉमरेड से पता चला। दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मेन एंड वुमेन, कि अगर एक आइडिया आप उनको दें तो किस तरह से वो बिना जो है टूटे, जैसे यहाँ पे एक वर्ड इज यूज टाइम एंड अगेन, आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव फॉर एन आइडिया। एक आइडिया दें, चाहे वो देश की रक्षा के लिए है, चाहे आजादी के लिए है, अगर एक जो है किस तरह से उन्होंने बताया कि मेरे देश के लोग फाइनर हैं, ट्रूरर हैं, या अगर एक आइडिया उनको दें तो किस तरह से वो, आई हैव सीन मैन स्टैंड अप अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, क्योंकि किसका था रूल, ब्रिटिशर का रूल था, किस तरह से बिना टूटे शोइंग ब्रेकिंग शोइंग अ स्ट्रेंथ। कई बार होता है ना कि हमें बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं, तो हम लोग टूट जाते हैं और उनका साथ देते हैं, बट ऐसा नहीं करा, मेरे देश के लोग मेरी वेल्थ है। और कितना जो है उन्होंने स्ट्रगल करा इवन टॉर्चर और अटैक्स के बावजूद, विदाउट ब्रेकिंग शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस That defies the imagination. कि इतना tolerate करने के बाद जो है वो चुप रहे, that courage was not the absence of fear. ये एक जो है हिम्मत थी। और एक होता है ना कि अगर हम डर गए, हमने डर के ऊपर ओवरकम किसको कर दिया, अपने करेज को कर दिया, अपनी हिम्मत को कर दिया to protect the country. But the triumph over it, the brave man is not he who does not feel afraid. ये नहीं है कि ब्रेव मैन है, बहादुर है, वो डरता नहीं है। बहादुर क्यों, क्योंकि उसने डर के आगे क्या करा, आपने करेज को ऊपर रखा। एंड ही हु कंकर्स द फियर, और इस तरह से डरता कौन नहीं है, सब डरते हैं, बट हिम्मत दिखानी चाहिए हमें। तो फियर के ऊपर उसने क्या रखा, हिम्मत, क्लियर, एंड कंकर्स दैट फियर। No one is born hating another person. क्या हम बच्चों जन्म से पैदा जब हम होते हैं तो क्या हम ये सीख के आते हैं कि हमें किससे नफरत करनी है, किससे प्यार करना है? Obviously नहीं सीख के आते हैं। No one is born, तो यहाँ पे उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में यही बताया, No one
is born hating one another या another person because of the color of his skin. क्या हम जब पैदा होते हैं तो हमें पता होता है कि भाई ये ब्लैक है, ये व्हाइट है. तो जब हम बॉर्न होते हैं तो कोई ये सोचे हेट नहीं करता कि he is of which color और his background, उसका background क्या है, उसका religion क्या है. क्योंकि भगवान ने अगर हमें यहाँ पे भेजा है तो ये हम सीख के नहीं आते हैं कि हमें डिस्क्रिमिनेशन करना है किसके बिहाफ पे, चाहे स्किन के बैकग्राउंड कैसा है, रिलीजन के बिहाफ पे. राइट, पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव. तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि पीपल मस्ट लर्न टू हेट, हमें नफरत करनी सीखनी चाहिए. बट उसके आगे उन्होंने फर्दर ही सेड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो सीखते हैं हेट करना, दे कैन बी टॉट, तो उन्हें क्या सिखाना है, क्या सीख सकते हैं, लव. फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, परंतु जो लव होता है वो नेचुरली हमारे हार्ट में आ जाता है. कौन कह रहा है ये, नेल्सन मंडेला. नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट. नफरत के बजाय अगर हम नफरत और हेट को देखें तो लव क्या होता है, नेचुरली कम्स इन अ हार्ट देन हेट. इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू आवर लिमिट्स आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स. अब यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं व्हेन ही वाज इन द प्रिजन, जब वो कहाँ थे, जेल में थे. राइट, जब वो और उनके साथी जो कॉमरेड्स थे उनको कैसे ट्रीट कर रहे थे, लिमिट क्रॉस कर रही थी कि इतना ज्यादा ब्रुटालिटी से ट्रीट किया जा रहा था उन्हें, तब उन्होंने किस यहाँ पे क्या लिखा, बहुत पुश टू आर लिमिट्स, मतलब इतना ज्यादा जो है ब्रुटालिटी से ट्रीट कर रहे थे इन द प्रिजन. तो उन्होंने क्या देखा, तो यहाँ पे आई कौन है, नेल्सन मंडेला. आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी क्या होता है, मानवता की एक चमक. इसमें देखिए वन ऑफ द गार्ड जो वहां पे गार्ड थे उसकी आंखों में एक उन्होंने क्या देखा, ह्यूमैनिटी. परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, क्योंकि उसके ऊपर रूल कौन कर रहा था, व्हाइट, फॉर ए सेकेंड, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग. जो एक सेकेंड के लिए उन्होंने उसके जो चमक देखी थी मानवता की, तो वो चाहे एक सेकेंड के लिए थी पर वो कहते मेरे लिए वही क्या था, बहुत था, इनफ था टू रीअश्योर मी एंड कीप मी डूइंग. मैं तो सहने की एक ताकत मिल जाती है जब आपका कोई, जो आप मुसीबत में हो और आपको कोई अपना साथी मिल जाता है, या आप एब्रॉड गए तो कोई इंडिया का दिख जाता है, तो होता है ना कि भाई मेरे को एक सहारा सा मिल गया. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं व्हेन ही वाज इन द प्रिजन और किस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा था, तो उन्होंने एक चमक किसमें देखी, एक जो है फॉर ए सेकेंड देखी, बट इट वॉज इनफ फॉर हिम टू कीप Keep him going. जो भी कर रहे थे, सहन कर रहे थे, लड़ रहे थे देश के लिए, तो वही उनके लिए बहुत था. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. अब यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, ब्यूटिफुल लाइन है बच्चों कि man's goodness is a flame. अगर आपके अंदर अच्छाई है तो वो क्या है, एक फ्लेम है. That can be hidden, जो छुपी हुई है, hidden है, but never extinguished. अगर आपके अंदर अच्छाई है तो आप चाह कर भी जो है उसे छुपा नहीं सकते. क्लियर, कभी वो बुझ नहीं सकती, कभी ना कभी आपके अंदर दिखेगी. जैसे उन्होंने किसमें देखी, एक गार्ड में देखी, वन ऑफ द गार्ड. क्लियर, तो यहाँ पे अगर हमारे अंदर अच्छाई है तो वो कभी भी हम उसको छुपा नहीं सकते, रोक नहीं सकते, और कभी वो बुझ नहीं सकती. तो यहाँ पे उन्होंने अपने वर्ड्स में बोला है मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम. तो यहाँ पे अगर गार्ड ने उनको थोड़ा सा सहारा दिया या सपोर्ट कराए तो वही उनके लिए क्या थी, फ्लेम थी. राइट, तो मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन नॉट बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश, कभी वो बुझ नहीं सकती, कभी समाप्त नहीं हो सकती. राइट, इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस. अगर हमारी लाइफ में है तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि हर व्यक्ति के दो जो है ट्विन ऑब्लिगेशंस होते हैं, कर्तव्य होते हैं. ऑब्लिगेशंस मीन्स कर्तव्य, ट्विन मीन्स दो कर्तव्य.
कौन कौन से होते हैं दो टू ऑब्लिगेशंस, लेट्स सी, ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, एक कर्तव्य किसका होता है अपने परिवार के प्रति, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज सिबलिंग्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और दूसरा ऑब्लिगेशन क्या है अपने देश के लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। तो दो ऑब्लिगेशन क्या है, एक तो अपने परिवार के प्रति, अपने भाई के प्रति, अपनी बहन के सिबलिंग्स के प्रति, अपनी वाइफ के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, और दूसरा अपने देश के लोगों के प्रति, कम्युनिटी के प्रति, राइट। देश के इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन। कॉमरेड्स क्या होते हैं बच्चों, अ कलीग और ए फेलो मेंबर ऑफ, अब यहाँ पे बोला था ना बच्चों कॉमरेड, साथी, जो प्रिजन में उनके साथ साथी थे, तो इनह्यूमेन अभी वर्ड आएगा तो यहाँ पे क्या है उसका, क्रूर और ब्रूटल। अब वो यहाँ पे क्या करे, इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी, ह्यूमेन मीन्स जो ब्रूटल, जो उनको ब्रूटलिटी से ट्रीट किया जा रहा था, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज। तो यहाँ पे कह रहे ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज। तो आपका झुकाव किस तरफ है, राइट इतने जो है, इतने जिस तरह से जो है ब्रिटिश उनको ट्रीट कर रहे थे, ऐसे समय पे इन दो जो है ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि आपका इंक्लिनेशन, आपका झुकाव किस तरफ है, राइट एंड एबिलिटीज, क्लियर। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है कि अगर जैसे यहाँ पे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है, When he was in the prison, और उनके कॉमरेड्स जो उनके साथी थे, उनके कुलीग्स थे, उनको किस तरह से ब्रुटैलिटी से ट्रीट कर रहे थे, लिमिट क्रॉस हो गई थी, उसी समय उन्होंने क्या देखा, एट द सेम टाइम अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, राइट। और उन्होंने कहा कि यही उस समय उनके लिए क्या था, एनफ था, राइट। तो मैंस गुडनेस क्या है, इज अ फ्लेम जिसको आप छुपा नहीं सकते, कैन नॉट बी या कैन बी हिडन, आप इसको क्या कर सकते हैं, छुपा सकते हैं, कैन बी दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश, आपके अंदर छुपी हुई है क्योंकि आप शो नहीं कर रहे, क्योंकि आपके ऊपर क्या है, प्रेशर है, ऊपर ब्रिटिशर का प्रेशर है, तो आप छुपा नहीं सकते, राइट आपके अंदर छुपी हुई है, बट क्या है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती, जैसे यहाँ पे उन्होंने गार्ड के अंदर देखी वो ह्यूमैनिटी, मानवता, क्लियर। तो यहाँ पे सिंपल सी लैंग्वेज है कि मेन की जो है गुडनेस क्या है, एक फ्लेम है, अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं और ये क्या है उसके लिए फ्लेम है, दैट कैन बी हिडन, जो छुपी हुई है और कभी भी खत्म नहीं हो सकती, क्लियर। ऑब्लिगेशंस, टू ऑब्लिगेशंस हियर ही डिस्कस, वन इज ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, सेकेंड ऑब्लिगेशन है पीपल के लिए, लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए और कंट्री के लिए, क्लियर। दिस इज द की पॉइंट जो यहाँ पे क्या है, दीज आर द की पॉइंट जो हमने अभी डिस्कस करा, उसके की पॉइंट्स है। फर्स्ट वन इज योर, जस्ट आफ्टर द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट एड्रेस टू द ऑडियंस एन इम्प्रेसिव अरेंजमेंट ऑफ फाइटर जेट्स हेलीकॉप्टर, जैसे हमने कहा था कि एक कैप बना रहे थे, वो पैटर्न बना रहे थे अबव द एम्फी थिएटर, एंड सोल्जर ट्रांसपोर्टर्स रेज एवरीवन्स हेड्स अप इन द स्काई, इट सिंबलाइज परफेक्शन एज वेल एज रिस्पेक्ट दिखा रहे थे, ऑनर दिखा रहे थे टुवर्ड्स द न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट, रिस्पेक्ट एंड ओबीडियंस टुवर्ड्स द फ्री कंट्री, हाई कमांडर्स who have won medals for their bravery also saluted and promised their loyalty, wafadari ke liye kis tarah se jo pehle unko arrest karte the salute nahi karte the but aaj new jo newly elected government thi usme kya kar rahe the high commanders
क्या कर रहे थे, सल्यूट कर रहे थे और प्रॉमिस देयर लॉयल्टी, वफादारी की प्रॉमिस कर रहे थे. मंडेला मेंशन दैट ही वॉज वेल अवेयर दैट दीज कमांडर हु वर नाउ सल्यूटिंग हिम वुड हैव अरेस्टेड हिम अंडर द प्रीवियस रूल एज ड्यूरिंग द ऑपरेसिव वाइट सुपरमेसी ही वॉज कंसिडर्ड टू बी अ क्रिमिनल. द एयर शो फाइनली एंडेड by making the South African flag in the sky from smoke beneath the jets. Further, he said, the author remembers the day as the playing of two national anthems of the country, one for the whites and the other that of the blacks. Two anthems gaye ja rahe the, kis tarah se, ek white or black. On that day, no one knew the wordings of the anthem of the blacks, but Mandela was confident that everyone would soon learn. क्योंकि उस दिन उनको जो है इतनी ज्यादा खुशी थी, कोई वर्ड्स को नहीं देख रहे थे, बट यहाँ पे नेल्सन मंडेला जो है कॉन्फिडेंट थे कि everyone would soon learn this anthem that they once hated. On the day of the inaugural ceremony, the author was remembering the days of past when this whole system of apathy emerged, कि जब ये जो है सिस्टम बना था apathy before his birth, उनके जन्म से पहले ये apathy discrimination के पहले whole system born हुआ था before his birth. It resulted in inequality, inferior treatment of dark skinned people. क्योंकि उन्हीं के देश में उन्हीं के लोग जो है dark skinned लोगों के साथ किस तरह से inequality discrimination apartheid, जैसे हमने एक वर्ड पढ़ा था apartheid, separated the people by their races. They were deprived of their basic fundamental rights. As a result, one of the world's most brutal and inhuman society was born. This began before he was born. उनके जन्म से पहले हुआ था ये. This system created an atmosphere of extreme cruelty, injustice for a particular part of the community. सबके लिए नहीं था, और किसके लिए था? Dark skin लोगों के लिए था, people के लिए. Now when he is in his eighth decade, means when he was in 80 years old as a man, he along with countries, countless others, बहुत सारे लोग उनके साथ हो गए थे, have changed this entire system that treats humans as humans irrespective of their color, caste, gender, age. जिन को उन्होंने basis बनाया था color को, caste को, discrimination हो रहा था, brutality से treat किया जा रहा था, पूरा entire when he was 80 years old, तो बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ गए थे and he changed the entire system. This equal and free country was the result of sacrifices. अब आज अगर उनको फ्रीडम मिली है तो किसकी वजह से मिली है? बहुत सारे लोगों ने दे सैक्रिफाइसेस देयर लाइफ, तो बहुत सारे लोग हैं सैक्रिफाइसेस ऑफ काउंटलेस अदर मैन एंड वुमेन हु हैव फॉट ऑल देयर लाइफ्स फॉर दिस डे. द अदर विशेष, क्योंकि हम स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था बच्चों कि अबाउट कितना पढ़ा था हमने, 300 इयर्स तक किसने रूल करा था? व्हाइट रूल. क्लियर? ही कुड इफ ही कुड थिंक देम ऑल, बट अनफॉर्चुनेटली दे डिडंट लिव टू सी द रिजल्ट ऑफ देयर करेज. आज वो जिंदा नहीं है, उन्होंने सेक्रीफाइस किया है देयर लाइफ टू प्रोटेक्ट द कंट्री, बट वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि थैंक कर रहा हूं मैं उनको, बट अनफॉर्चुनेटली दे डिडंट live to see this ceremony. Nelson Mandela gathered his courage and power from all those people and wishes to make them proud. The oppression policy scared many people and it will take a long time for them to move on. The author mentions that this hard time and its negative impact, but it also exposed a lot of strong and courageous men. इसके बावजूद भी जो है कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था, उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे थे, a lot of strong and courageous men who stood up and raised their voice. Thus it required that level of injustice,
unjust treatment to produce such great heroes. South Africa, he says, is rich. Unki country is rich in minerals and gems, but unki jo greatest strength hai ya wealth hai, wo kya hai? Lies in its people. किसमें है? उसके उनके देश के लोगों में है. भले ही उनका देश जो है रिच है, जेम्स है, डायमंड्स है, बट उनकी असली वेल्थ क्या है? उनके देश के लोग हैं. नेल्सन मंडेला गेन्ड हिज स्ट्रेंथ स्टैंड अगेंस्ट द रॉन्ग फ्रॉम ऑल द ग्रेट नेशनलिस्ट ही मेंशन्ड अबव हु हैव इवन रिस्क देयर लाइव्स. जिन्होंने रिस्क लिया है for freedom and tolerated ill treatment but never stopped fighting. परंतु वो रुके नहीं है अपने देश को फ्रीडम दिलाने. राइट, he learned that courage did not mean the absence of fear but the ability to overcome fear. The man who overcomes his fear is called brave. बहादुर वो कहलाता है जो अपने डर को ओवरकम करता है, वही कहलाता है ब्रेव. वन इज टॉट बाय इट्स सोसाइटी टू हेट ह्यूमंस बिकॉज ऑफ देयर स्किन. हम जन से ये नहीं सीखते, राइट, बट हमें कौन सिखाता है सोसाइटी टू हेट ह्यूमंस? बिकॉज ऑफ देयर स्किन कलर, रिलीजन, एज, जेंडर, रिलीजन. नो वन इज इन बॉन्ड विथ हेट्रेड. जब बच्चा पैदा होता है तो उसे ये नहीं पता होता है कि भाई ये गोरा है, काला है, इसका धर्म अलग है, राइट, बट हमें सोसाइटी ये सिखाती है. द ऑथर्स आइडिया इज दैट इफ पीपल कैन बी टॉट हेटेड दे कैन ऑल्सो बी टॉट लव एंड ब्रदरहुड, भाईचारा. इन देयर मोस्ट डिस्टिंग टाइम्स इन प्रिजन दे वर बीइंग ट्रीटेड ब्रुटैलिटी. जैसे उन्होंने बताया था कि व्हेन ही वॉज इन द प्रिजन तो किस तरह से उनको जो है लिमिट क्रॉस कितना ज्यादा ब्रुटालिटी से ट्रीट किया जाता था, बट उन्होंने ह्यूमैनिटी देखी थी. किसमें? वन ऑफ द गार्ड्स में. मंडेला वुड सी अ पिंच ऑफ ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस इन वन ऑफ द गार्ड्स एंड दैट वॉज इनफ टू कीप हिम गोइंग. ही बिलीव्स दैट गुडनेस इन ह्यूमन बींग्स कैन बी सप्रेस बट नेवर एलिमिनेटेड. उसको हम कभी खत्म नहीं कर सकते. आपके अंदर अगर अच्छे गुण है, अच्छे जो है कह सकते हैं आपके अंदर हैं, बट आपके दिख नहीं रहे, हिडन नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं आपके वो बाहर आ जाते हैं. कभी भी नेवर एक्सटिंग्विश्ड या कभी भी जो है खत्म नहीं होते. क्लियर? तो जो जितना हमने पढ़ा सेकंड पार्ट है उस पे बेस्ड क्वेश्चन. तो फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उस पे बेस्ड क्वेश्चन के लिए दिस इज द सेकेंड पार्ट. वॉट इज द मिलिट्री जर्नल्स टू How did their attitude change and why? अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे हमने पढ़ा था कि मिलिट्री जर्नल जितने हाई कमांडर्स थे, जितने हाई रैंक के ऑफिशियल्स थे, तो ऑफिसर थे, तो उन्होंने क्या करा था, उनका एटीट्यूड टोटली चेंज हो गया था. किस तरह से दे सैल्यूटेड हिम और उन्होंने प्रोमिस करी थी फॉर देयर लॉयल्टी. द हाइएस्ट मिलिट्री जर्नल of South African Defence Force saluted Mandela and pledged their loyalty, which was a great significance as during apartheid era. क्योंकि उससे पहले इतना discrimination था, apartheid era था, political जैसे हमने बोला एक system था किस तरह से भेदभाव किया जाता था रंग races के आधार पे. They would arrested him और उनको किस तरह से arrest किया जाता था. Change in their attitude was because of और क्यों चेंज हुआ था? बिकॉज ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइसेस पुट इन बाय मेनी हीरोज ऑफ साउथ अफ्रीका. दिस स्ट्रगल नॉट ओनली एंश्योर्ड द फ्रीडम ऑफ ए नेशन स्ट्रगलिंग विद एपार्थाइड बट ब्रॉट अ चेंज इन माइंडसेट ऑफ मेनी. वी ही बिलीव दैट लव कैन ऑल्सो बी टॉट. ह्यूमन बींग इज नेचुरली इंक्लाइंड टूवर्ड्स लव rather than hate. Clear? Next question है why were two? It is very important question. कई बार आपने देखा होगा paper में ये question पूछा गया है. Why were two national anthems sung? क्यों गाए गए थे? Pastor ने पूछा है. One of the auspicious occasion of the inauguration, two national anthems
वन बाय द व्हाइट एंड द अदर बाय द ब्लैक. क्यों गाए गए थे? क्योंकि उस दिन क्या था, इनॉग्रेशन सेरेमनी किसकी थी, न्यू नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. क्लियर? ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ द इनॉग्रेशन, टू नेशनल एंथम्स, वन बाय द व्हाइट एंड अदर बाय द ब्लैक, सिंबलाइजिंग इक्वलिटी ऑफ द ब्लैक्स एंड व्हाइट वर सन. ये हमें बताया था जब दोनों की ब्लैक और व्हाइट अब कोई भेदभाव नहीं है, इक्वलिटी सिंबलाइजेस द इक्वलिटी. क्लियर? तो पहले क्या होता था कि व्हाइट जो है हर काम में जो है सबसे आगे रहते थे और ब्लैक्स को किस तरह से वो ब्रूटेलिटी से जो है ट्रीट करते थे, ऑप्रेस करते थे, उनको अपने राइट्स के लिए भी लड़ने नहीं देते थे. नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इन द फर्स्ट डिकेड एंड इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी. In the first decade of the century, the whites erected as a system of racial domination against the blacks. So, first decade में उन्होंने क्या करा था कि एक apartheid का जो है किस तरह से उन्होंने form करी थी against blacks, thus creating the basis of one of the harshest and most inhuman societies the world had ever known. इतना ज्यादा क्रूरिटी थी, ब्रुटालिटी से उनको ट्रीट किया जाता था, जैसा कि पूरे अगर वर्ल्ड की बात करें तो उन्होंने कभी नहीं देखी थी. इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी द प्रीवियस सिस्टम, अ प्रीवियस सिस्टम कौन सा है बच्चों, अपार्थिड का, हैड बीन ओवरटर्न्ड एंड रिप्लेस्ड बाय वन व्हिच रिकॉग्नाइज्ड राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन. जो फर्स्ट डिकेड में क्या थी, उन्होंने फॉर्म करा था अपार्थिड और किस तरह से ट्रीट करते थे ब्लैक्स को, बट इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी किस तरह से उन्होंने इसको चेंज कर दिया था प्रीवियस सिस्टम को. तो दीज आर द क्वेश्चन बेस्ड हैं जो हमने अभी पढ़ा बच्चों. नेक्स्ट है, बट इन द कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका It was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both those obligations. अब यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मेरी कंट्री में साउथ अफ्रीका की और मेरे कलर के लोगों को, मीन्स जो ब्लैक हैं, राइट, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, असंभव है फॉर ए मैन कि मेरी धरती पे, मेरी कंट्री में, कौन सी कंट्री में, साउथ अफ्रीका की कंट्री में, ये पॉसिबल जो है एक आदमी के लिए, मैन के लिए, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू फुलफिल बोथ दोज ऑब्लिगेशंस. दो ऑब्लिगेशंस कौन से हैं, या तो अपनी फैमिली की तरफ और दूसरा क्या है, देश के प्रति. तो अभी हम लेकर पढ़ेंगे कि अगर देश के प्रति उन्होंने जरा सा भी झुकाव होता था, इंक्लिनेशन, तो किस तरह से उनको ब्रुटैलिटी से ट्रीट किया जाता था. तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मेरी कंट्री में, साउथ अफ्रीका में, It was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill of those obligations. दोनों obligations को fulfill करना असंभव है. क्यों है? In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. अगर वो अपने देश के प्रति उनका inclination होता है तो उनको क्या करते हैं, पनिश किया जाता है या आइसोलेट किया जाता है, अलग से उनको पनिशमेंट दी जाती है. इन साउथ अफ्रीका ए मैन, अब उन्होंने डिटेल में यहाँ पे बताया है कि किस तरह से उनको पनिश किया जाता है या किस तरह से आइसोलेट करते हैं, अलग से रख देते हैं, राइट, जिससे वो फर्दर जो है कोई स्टेप ना ले. इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल was inevitably ripped from his family and his home, was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. I didn't in the beginning choose to place. और यहाँ पे उन्होंने बोला कि अगर देश के प्रति अगर वो ऑब्लिगेशन अपने कर्तव्य दिखाते हैं या अपने फैमिली के प्रति दिखाए
अगर ऑब्लिगेशन करते कर्तव्य दिखाते हैं तो उनको किस तरह से पनिश किया जाता है, फोर्स किया जाता है और अलग से उनको आइसोलेट किया जाता है, अलग से जो है लाइफ को अपनी, अब ऑब्वियसली अगर हम फैमिली से अलग रहेंगे, अकेले रहेंगे, तो ये उनका पनिशमेंट होता है आइसोलेट करने का, क्लियर, और पनिशमेंट भी है। तो बच्चों जितना आज पढ़ाया उसको रिवाइज करें, हमने एक्सप्लेनेशन भी इसका किया है जो भी हमने करे हैं और उसे बेस्ड क्वेश्चन भी डिस्कस करे हैं। तो रिवाइज द चैप्टर एट होम, टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।